बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है, और जो बड़े वो प्यार करते हैं, लेजेंड मिर्जापुर देखते हैं वो भी दो दो बार। क्या बात है, चाय बन गई, आ जाओ आ जाओ, बैठो। अब हम बैठ के देखेंगे मिर्जापुर पुनीत। तो मिर्जापुर मेरे साथ देखने बैठे हैं क्योंकि इनको रिवाइज करना है। जैसे चैप्टर रिवाइज नहीं करते थे स्कूल में, ये मिर्जापुर रिवाइज करेंगे। वाह, बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, ठीक है, और जो बड़े वो प्यार करते हैं, लेजेंड मिर्जापुर देखते हैं वो भी दो दो बार। क्या बात है, वाह वाह। क्या नहीं, इसका कोई काम नहीं है, गूगल ही चुके हैं हम लोग। चलो इसको रखो। नहीं, टेस्ट की हम एक दिन में ख़त्म कर देंगे। बचपन में हम यही खाया करते थे। कभी-कभी मन के अगेंस्ट भी जाना पड़ता है। Rising sun hits the sky, see it open before us. Take these hopes, hold them high. पुनीत, हाँ, फ्रूट्स काट दूँ? काट दो। क्या काटूँ? काट तो चुकी हो मेरे लाइफ का पहले, और क्या काटोगी। चलो भागो यहाँ से, फूटो। हद बेइज्जती है यार, इतनी तो बेइज्जती मेरी कभी नहीं हुई लाइफ में। ये यार इन पतियों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शादी के बाद इनका सभी काट ही देते हैं। और वैसे ना मेरे को फ्रूट्स मेरे हाथ में और एक हाथ में चाकू, पता है मेरे को क्या याद आ रहा है, वो गेम खेली है निंजा वाली, वो फ्रूट काटने वाली। यहाँ से फ्रूट आ रहा है ऐसे कट लग रहा है, यहाँ से फ्रूट आ रहा है ऐसे कट लग रहा है। जबरदस्त गेम थी यार। मैंने कभी नहीं खेली, एक बार ट्राई की थी पर सही टाइम पास हो जाता था। लेकिन पुनीत सुनो यार, एक गेम खेलते हैं यार, क्योंकि टाइम पास हो नहीं रहा, ठीक है। मेरी जिंदगी के साथ तुम गेम ही क्यों खेल रही हो यार, ऐसा क्या किया है मैंने, ऐसे तो मत बोलो। देखो एक गेम खेलते हैं, ठीक है, इससे हमारा टाइम भी पास हो जाएगा और बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, ठीक है। उसके ये जो गेम है ना, इसके बाद हम अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखेंगे। पहले इस गेम के मेरे को आंसर्स चाहिए, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट, फोकस ही क्यों किए हुए। मेरा चेहरा इतना हसीन है कि मेरा फोकस कहीं खो ही नहीं सकता। बेटर टू फोकस ऑन माई क्वेश्चन। तो इस गेम को खेलने के लिए ना तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकेंड है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए एक भी सेकेंड, इससे भी कम। हाँ, टिकटॉक और यूट्यूब तुम क्या यूज करते हो? यूट्यूब। ज्यादा क्रिंजी क्या है? टिकटॉक। ज्यादा मेहनत कहाँ लगती है? यूट्यूब। कंटेंट क्वालिटी कहाँ ज्यादा अच्छी है? यूट्यूब। कहाँ ज्यादा टाइम देना पड़ता है? यूट्यूब। और अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है तो तुम क्या यूज करोगे एंटरटेनमेंट के लिए? डिपेंड्स ऑन माय मूड। ओके, तो अब हम जानेंगे कि आपने ये सब क्यों बोला है। तो पॉइंट पे आते हैं, बहुत टाइम से यही डिस्कशन चल रही है यार, पता नहीं कितनी यूट्यूब पे मैंने वीडियोस देख ली। तो मैंने कहा ठीक है, हम एक दूसरे के व्यूज़ भी ले लेते हैं। क्या है ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब, तो आपका क्या है व्यू? मतलब यूट्यूब वाले बोल रहे हैं कि टिकटॉक का जो कंटेंट है वो क्रिंज है, तो क्यों? कौन बोल रहे? पहले फोन छोड़ दो। अरे मुझे माफ कर दीजिए महाराज, हमसे बहुत ही बड़ी भूल हो गई है, पर महाभारत के समय में भी फोन नहीं हुआ करता था महाराज, इतना डिपेंडेंट मत होइए। आप मुझे ये बताइए कि आपका क्या विचार है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में? मेरा विचार ये है कि आपको अपने ऑडियंस को, अबे तेरी लाइट चली गई, ओह शिट, अरे यार शिट, और बोलो लाइट जा चुकी है। हाँ, वो मुझे भी दिख रहा है। भगवान भी नहीं सुनना चाहता मेरा व्यू। सही में लोगों को बताओ यार, मैं सच में, मैं पता है जब भी मैं YouTube खोलती हूँ ना, मेरे को यही कोई ना कोई वीडियो दिख जाती है, YouTube वर्सेस TikTok। क्या है ये, क्यों? अरे TikTok पे 90% तो क्रिंज कंटेंट ही है। हाँ यार, वो मैं मानती हूँ, ठीक है, कि 90% जो वो क्रिंज। और कई सारे TikTok स्टार्स वो फेमस हुए, मतलब 10 में 9, मतलब 90% स्टार्स वो फेमस हुए जो I don't think कि डिजर्व करते हो, मतलब उन्हें एक्टिंग का ये भी नहीं पता होगा, सिर्फ एक्सप्रेशन देने से नहीं यू कैन नॉट बिकम एन एक्टर। जैसे टिकटॉक वीडियोस हमने भी बनाया है, ऐसा नहीं कि अब लोग बोलोगे कि भाई हिपोक्राइट टिकटॉक को गाली दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर हम अपने आप को टिकटॉक के कारण कंटेंट क्रिएटर्स नहीं बोल सकते। टिकटॉक एक ऐसा मीडियम है, आप बस कॉमेडी के लिए बनाओ, दैट्स इट। वीडियो बना रहे हो फ्री टाइम में, एंजॉयमेंट हो जा रहा है ऐसे। लेकिन टिकटॉक का मुझे समझ नहीं आता यार। पता है टिकटॉक पे जनता ऐसी है ना जिसको क्रिंज ही देखना है, तो इसलिए क्रिंज कंटेंट ही इतना ज्यादा ग्लोरीफाई हो जाता है ना वहाँ पे, तो इतने सारे लाइक्स आते हैं। और वहाँ पे यार कई सारे वीडियोस ऐसे भी जिसमें वो कुछ नहीं कर रहे हैं, उस पे 7 मिलियन लाइक्स, 10 मिलियन लाइक्स, व्यूज नहीं लाइक्स, तो ये भी अजीब चीज है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ टिकटॉक पे क्रिंज कंटेंट है, हर प्लेटफॉर्म पे क्रिंज कंटेंट है यार, लेकिन अगर आप बात करोगे यूट्यूब और वर्सेस टिकटॉक की तो डेफिनेटली यार टिकटॉक पे ज्यादा क्रिंज कंटेंट। मतलब ये टॉपिक ही ना, मतलब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, इट्स लाइक कंपेयरिंग मतलब सचिन एंड पुनीत। सीरियसली मैन, You are not even from the same background, dude. मतलब क्रिकेट में मतलब सचिन का कंपैरिजन कोई नॉर्मल किसी क्रिकेटर से हम करने लगे यार। सही में, जो कि क्रिकेट अभी सीख ही रहा है, तो मतलब अच्छी बात है यार टिकटॉक से लोग मतलब उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हम तो बस अपना व्यू दे रहे हैं भाई, मैं किसी को रोस्ट नहीं कर रही हूँ और ना ही मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी है। अब जब हम बना रहे हैं तो मैंने कहा यार अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। राइट ऑफ स्पीच तो सबको है ना, जीवन में तो हमेशा नहीं। राइट ऑफ स्पीच तो सबको है, ठीक है? नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? राइट ऑफ स्पीच को पत्नी को ही होता है भैया, पति को कहां होता है राइट ऑफ स्पीच? यार ऐसे बदनाम मत करो यार पत्नियों को। तो आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग, तो भाई समरी यही है, अगर आप पूछो कि पता नहीं यार हो भी सकता है, लेकिन अगर आपको बोरिंग भी लगता है तो आप प्लीज बताओ यार। आज कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए, आप कमेंट में सजेशन दो और हमें बताओ। अगर ठीक ठाक लगा हो तो लाइक कर सकते हो, नहीं लगा हो अच्छा डिसलाइक कीजिए, पर प्लीज बताइए कि आपको क्यों नहीं अच्छा लगा। तो भैया फाइनल ये है कि भैया यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की क्वेश्चन ही बकवास। भैया हम तो यूट्यूब पे, तो हम तो यूट्यूब की तरफदारी नहीं करेंगे भैया। हाँ भैया, आप घर में हो तो अपनी बीवी के बारे में अच्छा ही बोलोगे और क्या, पीठ पीछे कुछ भी बोलो यार, लेकिन घर में तो बीवी की तारीफ करो, हद होगी। वैसी बात है, जब हम वीडियो YouTube पे बना रहे हैं तो हम टिकटॉक की तारीफ क्यों करें? सही बात है ना, पॉइंट है भैया। तो भैया दोनों पहली बार इस लड़की ने किसी पॉइंट का बात किया है। ठीक है यार, दोनों प्लेटफॉर्म भी एग्जिस्ट करते हैं, हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और जिस भी बंदे से हाइप मिली है ना ये टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को, ठीक है यार आपको रोस्ट कर रहे हैं, किसी को भी करो ठीक है, लेकिन आप अपने फैक्ट्स तो क्लियर करो। आप जो इतने खुले उसमें बोल रहे हो कि हम यूट्यूब पे आ गए और आपको कॉपीराइट का तो इशू पता ही है यार, आप कॉपीराइट की बात कर रहे हो। आपको पता है आप जो टिकटॉक पे सॉन्ग्स यूज़ करते हो और अगर टिकटॉक ने उस पर कॉपीराइट लगाना शुरू कर दिया तो एक वीडियो नहीं बन पाएगी। सबको बोलने का हक है, लेकिन भाई हवा में कुछ भी उड़ा रहे हो आप, कुछ भी मतलब। तो बस इतना ही काफ़ी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डिसलाइक करोगे तो प्लीज़ बताना ज़रूर कि आपको क्यों नहीं अच्छी लगी। कमेंट बॉक्स खुला है और उसमें आप सजेशंस हमें दे सकते हो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी पता है मैं दूसरे कमरे में वीडियो बना रही थी, एकदम फोकस से अपना काम कर रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सरप्राइज होगी कि क्या हुआ। तो इस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब, और सबसे मेन चीज़ बेल बटन दबाना, उसमें नोटिफिकेशन ऑल करनी है। वेरी गुड, तो बाय बाय कर दो, बाय बाय। पुनीत सॉरी डर गए। तुम्हें पता है कैरी मिनाटी की वीडियो यूट्यूब से हट गई है यार ये गलत नहीं हुआ उसके साथ? यार पता नहीं, मुझे पता है क्या लग रहा है एक्चुअली, ये वाला जो टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा वो हो गया है, काफ़ी पर्सनल ले रहे हैं सारे, और काफ़ी सारे लोगों ने उसकी वीडियो को रिपोर्ट कर दिया हुआ है, इसलिए ये हटा दिया यूट्यूब ने। तो उस पर क्या खतरनाक व्यूज़ जा रहे थे भाई, सही में। कल 70 मिलियन थे, अगर आज देखते तो 75 तो हो ही गया होता, 3-4 दिन में 100 मिलियन पहुँच जाता। किसी का भी कोई हेट नहीं है इस चीज़ में यार, तो आप रहने दो यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है पता है।